आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। यहाँ वाट नहीं, रेजिस्टेंस कह रहा तो ओम में होना चाहिए। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम, विच इज 27 डिग्री सी। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। अब इस टोस्टर को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। इफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट रीचेज 2.75 एम्पियर, द टेम्परेचर अटेंड बाई द टोस्टर इज अराउंड, तब उसका टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है, थर्मल कोफिशियंट आप कह सकते हैं, वो है 2 × 10⁴। ये ए ना होकर के यहाँ पे अल्फा होना है, वो दिया हुआ 2 × 10⁻⁴ पर डिग्री सी। ओके, तो अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, जो यहाँ पे आप देखिए कि रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमें मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर जो है टी नॉट वो है 273 + 27, विच इज 300 K, राइट। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये हमें ध्यान देना है। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे पता चलता है, फाइनल टेम्परेचर आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे थर्मल कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो दिया हुआ है ना, अब फाइनल टेम्परेचर के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वी। वी कितना है 220 वोल्ट, करंट इस पे कितना गिवन है 2.75। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगा ना, ये आर नॉट इस टेम्परेचर पे आर की वैल्यू दिया हुआ है 60 ओम, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, ये रेजिस्टेंस जो होता है वो वी बाई आई होगा, राइट ना। वी कितना है सर, 220 / 2.75। क्या करें, अब डिवाइड कर लेते हैं, 220 / 2.75। एक बार आप काम कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करिए और थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पाँच चौके 20, 2 और 20, 5 चौके 20, 5 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 50 25, और ये 0.5 होगा, 2 25 50, ये 55 हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, 440 / 55। एक काम कर सकते हैं, 11 से कर देते हैं 40, 5, अरे वाह बहुत सही, ये आसानी से डिवाइड हो गया, पर एक जीरो और यहाँ लगेगा, ये 80 हो गया। यानी रेजिस्टेंस जो है 60 से 80 हो गया है, तो टेम्परेचर क्या हो गया होगा ये पता करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके आगे का, इसके आगे एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + α Δt, राइट ना। ये दिया हुआ है 80, इधर है ये 60, 1 + α की वैल्यू गिवन है ना 2 × 10⁻⁴, और डेल्टा टी होगा टी माइनस 300, राइट। या डेल्टा टी पहले पता कर लेते हैं, अच्छा डेल्टा टी रखना है ना, तो डिग्री सी में भी डायरेक्ट वैल्यू पता किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस जब लेते हैं तो केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से आपको मिल रहा है ये 4/3 - 1 = 2 × 10⁻⁴ × Δt, करेक्ट। और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो ये 1/3 क्या होगा, 1/3 / 2 × 10⁴ को ऊपर ले लेते हैं। अब ये टी -27, और दूसरी तरफ जो है वो है आपका 10,000 / 3 × 2। अब एक काम कर सकते हैं, 27 को भी इधर ले आइए, इसी को सिंप्लीफाई करके जो नियरेस्ट वैल्यू है वहाँ तक पहुँचना है। ओके सर, तो ये आपको क्या दिख रहा है, अगर ध्यान दे तो 60
से 10,000 को डिवाइड करना है, राइट ना। 6 से 10,000 को डिवाइड करना है, 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 5,000 को 3 से प्लस 27, 5,000 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये करीब करीब आ जाता है 1.66 कर सकते हैं प्लस 27। 66 को लास्ट वाले को 7 भी किया जा सकता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है सर वो लग रहा है 1667 प्लस 27 होना चाहिए। साथ साथ को जोड़िए, 4, 14, 6, 2, 8, 1, 9, उसके बाद 16 डिग्री सी। ये कोई आंसर गिवन है क्या? फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, राइट ना। बिल्कुल सही।